ख्याल है कि आज SL3 रिंग रोड लाहौर की मुकम्मल करके अब हम बड़े आसानी से और खुशी के साथ घर जा सकते हैं। ये वो अकम्पलिशमेंट है जो हम सारी टीम का ख्वाब था, इम्पॉसिबल चीज़ थी। मैं किसी का नाम लिए बगैर ये आपको कह सकता हूँ कि हर वो बंदा जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, उसने जिस मेहनत से काम किया। मोहसिन नकवी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 12 साल से रुका मंसूबा 130 दिन में मुकम्मल कर दिया। वजीर आला ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 का इफ्तिताह किया। कहा कि मुसाफिरों को आमदोरफ्त में आसानी मिलेगी। कल बंद रोड एक्सेस कॉरिडोर पैकेज 1 भी खुल जाएगा। मज़ार बीबी पाक दामन के लिए नए रास्तों की तामीर। मोहसिन नकवी का दरगाह का दौरा, तामीराती काम देखे। मज़ार पर फातिहा खानी की, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगी। वज़ीरे आला ग्रीन टाउन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हेडक्वार्टर्स भी गए, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, अफसरान और अमले से मिले। मोहसिन नकवी का एक और कारनामा, LDA सेफ सिटी एफ ब्लॉक के अलाटियों को कब्जा दे दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने लेटर दिए। एफ ब्लॉक वाले 10 साल से पोजेशन के मुंतजिर थे। 5 मरले के 742 प्लॉट्स का कब्जा दिया गया। मोहसिन नकवी ने मुअम्मर अलाटी को स्टेट से नीचे आकर कब्जे का लेटर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी, गैस की कीमत में 67% तक इजाफे की मंजूरी। प्रोटेक्टेड सार्फीन के लिए गैस 100 रुपये MMBTU महंगी, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फीन के लिए गैस की कीमतों में 300 रुपये इजाफा। कमर्शियल फर्टिलाइजर्स और CNG सेक्टर के लिए भी गैस महंगी हो गई। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस के किरायों में 5 रुपये इजाफा। ऑरेंज ट्रेन का कम से कम किराया 20 से बढ़ाकर 25 रुपये हो गया, ज्यादा से ज्यादा 40 से बढ़ाकर 45 रुपये करने की मंजूरी। मेट्रो बस का कम से कम किराया भी 25 रुपये कर दिया गया। पंजाब में हुकूमत साजी, महकमे खजाना ने तमाम महकमों का बजट रोक लिया। तरक्याती कामों, सेहत के लिए बजट मिलता रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सेकेंडरी अस्पताल के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। नए वजीर आला की ताजनाती तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रपोजल तैयार करने पर भी पाबंदी आई। मेट्रो बस सर्विस के ट्रैक की तामीर और बहाली। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने 5 अरब रुपये मांग दिए। LDA को तखमीना लगाने, काम हकीकी बुनियादों पर करवाने का टास्क। रेस्क्यू पंजाब भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के फंड से महरूम। दसवीं जमात के इम्तिहानात का 1 मार्च से आगाज। 20 जुलाई को नतायज का ऐलान होगा। नतायज को COVID-19 से पहले के शेड्यूल के मुताबिक जारी होंगे। नतीजे की तैयारी में 3 की बजाय 4 माह लगेंगे। प्राइवेट स्कूलों के लिए पैक का इम्तिहान देना लाजम करार। आइंदा साल 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का पैक का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान दिए बगैर नवी जमात में दाखिला नहीं होगा। बादलों ने लाहौर का रुख कर लिया। 17 से 21 फरवरी तक रिमझिम की पेशगोई। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में निमोनिया से एक और बच्चे की मौत। 197 नए मरीज भी रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान पंजाब में वायरस से 9 बच्चों की जान गई। 773 नए मरीज अस्पतालों में जा पहुंचे। विफाकी और सूबाई इदारे लेस्को के नादहिंदा वासा ने लेस्को के 4 अरब 85 करोड़ रोक लिए। TMA दाता टाउन 60, अल्लामा इकबाल टाउन 53 करोड़ का नादहिंदा। महकमे आबपाशी ने 51 करोड़, महकमे पुलिस ने 39 करोड़ दबा दिए। सुप्रीम कोर्ट 8.5 करोड़, रेलवे ने 35 करोड़ रुपए नहीं दिए। PITB और एक्साइज IT टीम की मिली भगत। 1100 के करीब गाड़ियां बायोमेट्रिक के बगैर ही ट्रांसफर करने का इंकशाफ। लग्जरी गाड़ियां बगैर मालिक की बायोमेट्रिक के खरीदार के नाम ट्रांसफर कर दी गई। DG एक्साइज ने मामला सामने आने पर PITB से मुतलिका हुकाम को तलब कर लिया। जियाबागा रोड पर बिजली के लटकते तार वबाले जान। हाई वोल्टेज तारों से इलाका मकीनों की जिंदगी खतरे में आ गई।
करोड़ों की करप्शन और अकरबा परवरी। 39 लेस्को अफसरान के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज। कॉन्ट्रैक्टर्स को करोड़ों की बोगस अदायगियां हुई। एक्सजीएन अब्दुल्ला शबीर, जुबैर सरवर, शाहिद नवीद नामजद, STO साद मेहदी, शाहिद मुनवर, हमजा अनवर भी शिकंजे में आ गए। लाहौर कॉलेज खवातीन यूनिवर्सिटी में मुबैना करप्शन। ऑडिट रिपोर्ट में 3,12,00,000 के घपले। इंटर कॉलेज में फीसों के फंड्स में करोड़ों का घपला हुआ। क्लर्क और ऑफिसर 2 साल की फीसें हड़प कर गए। इंक्वायरी कमेटी ने सारा मलबा छोटे अमले पर डाल दिया। NA 128 में ओम चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। इलेक्शन कमीशन पहले सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला करेगा, अदालत का हुक्म। ब्यूरोक्रेसी की ड्राइविंग यात्रा। मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। जाहिद अख्तर जमान ने सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान भी हमदा थे। PTI ने मियां असलम इकबाल को वजीर अला पंजाब के लिए नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं किसी जमात के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी। NA 127 में बिलावल भुट्टो की शिकस्त। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने क्यादत को इस्तीफा पेश कर दिया। CEC मेमरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की भी दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की गवर्नर पंजाब की सीट पर नजर। कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद के नाम जेरे गौर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी पंजाब काबीना में बैठने की ख्वाहिशमंद। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर का ओहदा लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नून लीग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपने पास रखना चाहती है। फॉर्म 47 में नतीजे तब्दील किए गए। हमारे लाखों की तादाद में वोटों को कम दिखाया गया। हमसे जीती हुई सीटें छीनी गई। लियाकत बलोच के इल्जाम। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। मारूफ गजल गायक गुलाम अब्बास की तबीयत खराब। CMH अस्पताल में जेर इलाज। 70 साल गुलाम अब्बास शुगर और फेफड़ों के आर्जे में मुबतला।